हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं झटपट से बनने वाला दलिया का उत्पम और खीरा की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बहुत कम तेल में या बिना तेल के भी बना सकते हैं। सबसे पहले उत्पम की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक कटोरी दलिया लेंगे और उसी कटोरी से एक कटोरी दही लेंगे। दोनों को अच्छी तरह मिला दें और ढककर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक रेस्ट हो रहा है, हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए खीरा लिया है, खीरा को पीस में काट लें। खीरा की चटनी बनाने से पहले आप खीरा को एक बार टेस्ट कर लें। अगर वो कड़वा है तो उसकी चटनी ना बनाएं, वरना चटनी खराब लगेगी। इसमें लहसुन मिर्ची डालकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। इसमें 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक का इस चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक नींबू का रस डालें। नमक और नींबू को खीरा की चटनी के साथ अच्छी तरह मिला दें। इस तरह झटपट सी एक स्वादिष्ट खीरा की चटनी बनकर तैयार हो गई। दलिया को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। देखिए, दलिया में दही अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया है और ये दलिया ड्राई हो गई है। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें फूले हुए दलिया को डाल दें। इसमें अब 10 से 12 लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर और 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालें। इसमें आधा कटोरी सूजी डालें। जिस कटोरी से दलिया लिया है, उसी कटोरी से सूजी भी लेना है। इसमें 1/4 कटोरी पानी डालें और इसको पीस लें। अगर पीसने वक्त पानी की ज़रूरत लगे तो और पानी डाल दें। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसका हमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। तैयार बैटर को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। कुछ इस कंसिस्टेंसी का ये घोल होना चाहिए। इसमें अब 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे मिला देंगे। इसे हमें हल्के हाथों से मिलाना है। बैटर को हमें हल्का गाढ़ा ही रखना है। अब गैस के ऊपर एक तवा रखें। तवा जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब इस पर एक कलछी बैटर डालेंगे। उत्पम के ऊपर छोटे छोटे बबल्स दिखाई देने लगेंगे। इसका मतलब ये उत्पम का घोल अच्छी तरह बना है। इसे ढक दें और 2 मिनट के लिए सिकने दें। जब एक तरफ से ये सिक जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी या बटर लगा दें। इसे आप बटर या घी के बिना भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसे पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें थोड़ी देर ढक देना है। बहुत ही जल्द यह उत्पम बनकर तैयार हो जाता है और देखिए, उठाने में ही ये सॉफ्ट लग रहा है। एक उत्पम को पकाने में मुझे करीब 4 से 5 मिनट का समय लगा। आप चाहे तो इस बैटर से डोसा भी बना सकते हैं। मैं आपको एक डोसा बनाकर दिखा रही हूँ। हमें डोसा बनाने वक्त एक डायरेक्शन में ही घुमाना है। इससे डोसा भी बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। डोसा के ऊपर घी लगा देंगे। जब किनारे से ये ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। ये पतला है, इसलिए हमें दोनों तरफ नहीं सेकना है। इसी तरह हमें सारे उत्पम या डोसा को बनाते जाना है। इसे आप बच्चों के टिफिन में दीजिए या ब्रेकफास्ट में खाइए। बहुत ही कम समय में यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इस उत्पम के ऊपर कटे हुए प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार आप इस तरह गेहूं के दलिया का उत्पम बनाकर जरूर ट्राई करें। देखिए कितना सॉफ्ट यह उत्पम बनकर तैयार हुआ है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।